देखा आज कौन पढ़ेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो जो बॉडिंग बाइनरी फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन गुड़ा सब जाता वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टा कौन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स। ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के हायर प्लांट्स गुड़ा कौटा को तुम्हारो जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म ठीक अच्छे जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट्स को आ जाउची। बाकी आल्जी ब्रायोफाइट स्टेरिडोफाइट लोअर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सर हायर प्लांट्स बिकॉज दे हैव सीड सीड फॉर्मेशन यहाँ पाखे से मानकर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे। तुम देखी थो मंदार गचर फूल किए आणिक डाल काटिक लगे दूथ लग जा ଅଦା ଲଗେଇଦେବ ଗଛ ହେଇଯିବ, ଆଳୁ ଲଗେଇଦେବ ଗଛ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କି ମଞ୍ଜିରୁ ହୁଏନି, ବିନା ମଞ୍ଜିରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ସିଡ଼୍ କ'ଣ, ସିଡ଼୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ବିନା ସିଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଥିବ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଏ ସେକ୍ସୁଆଲ, ଆଉ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ରେ ତାକୁ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ କୁହାଯାଏ। ବିକଜ୍ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। हायर प्लांट्स हैज टू पार्ट्स, गोटे हला वेजिटेटिव पार्ट आ गोटे हला तुम रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव रहला रूट स्टेम लीफ रहला फ्लावर फ्रूट दन सीड लिख बुझे कि नहीं। रूट स्टेम एंड लीफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड हेड़ा गला। तो ये वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम लीफ रु जो रिप्रोडक्शन हुए ताल आम कह वेजिटेटिव। फॉर एग्जांपल बड बड कौन देखा बा ट्यूबर गोटे नवा ट्यूबर सरी एट ट्यूबर नहीं बड कथा देखा ट्यूबर है पटाटो आलु देखी छो आलु आलुर केमती रिप्रोडक्शन हुए यहाँ गोटे आलु है एमती सब छोट छोट खाल गुड़ा थी गोटे आलु को तुम घर रखी दियो मासे दुई मास रखी दियो देखो धीरे धीरे तरह गजा बाहर गच्छी कौ जगार गजाटा बाहर यही जगार सब बाहर एटा कहते पटाटो ट्यूबर पटाटो ट्यूबर सो ट्यूबर भितर एमती बड थाए जो मानकर आलु चाष हरका हो घर से निश्चित जानते हैं आखि कहते देखो आखि एटा आखि भाया देखा ना पटाटो आई से आईटा कौन बड बड़टा गोटे सेल डिविजन करि पारे कोष विभाजन करि पारे मेरिस्टमेटिक टिश्यू सेटा डिविजन कर नुआ गछ होइ जइबो नुआ आलु गछटे होइ जइबो। एटा गोटे कौन आलुटा गोटे कौन रूट ना स्टेम स्टेम गोटे कांडटा एटा गोटे ट्यूबरटा गोटे स्टेम रो कथा स्टेम आ गोटे लीफ रो एग्जांपल नै जइबो आमे लीफ लीफ रो एग्जांपल आसी जइबो तळे छोट बेले सब बही रे गोटे पत्र रखुले समस्ते अमर पुई बोलिकी नाटा से पत्र लीफ लिखिपार लीफ लीफ एग्जांपल किए आसीगला ब्रायोफाइलम अमर पुई
हमर पुई हेरा तो ऐसे दर कच बाहर तू वही से इडसो बाहर तू तो तार बॉड टाइट हो हला रूट जदि हमें लिखिबा ताले हळदी लेके अदा लिखे पड़े अदा हळदीटा रूट ना अच्छा राइजो जिंजर अदाटा ना अदाटार एम सब थाए अदाटा भी गोटे स्टेम है अदाटा भी गोटे अंडरग्राउंड स्टेम तो ये जगह पड़ थे सब आ गए बाहर थे देख दिस इज बड ये भी गोटे स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम हलदीटा किंतु रूट टर्मेरिकटा रूट ठीक अच्छे एटा हो कथा तो लीव रूट स्टेम सब हो रूट जो लगे आसपारागस लिखिपर रूट्रे गार हुए आसपारागस सात मूली सात मूली रूट रु जाए कदमी गच रूट रु जाए चार लगेदेव हो तो ये सब गला वेजिटेटिव कथा तापर देखिबा एबे पढ़े जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिंगीय जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पैरेंटल माने कौन दुईटा पैरेंट इनवॉल्व हो टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो इट इज कॉल्ड एज बाईपेरेंटल बाईपेरेंटल मूड ना नहीं टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल ठीक अच्छे तो मेल आउ फीमेल दुटा जाक पेरेंट्स इनवॉल्व हे टू मेक द बेबीज टू मेक ए न्यूबॉर्न चाइल्ड टू पेरेंट्स आर इनवॉल्व बाईपेरेंटल यदि दुटा पेरेंट्स मिसी गले तो कैरेक्टर्स आर कंबाइंड कैरेक्टर्स आर कंबाइंड डायग्राम बने दबा देख ये है फादर ये है मदर तांकर मिश्रण रु आसीगला ये ताले या पाखे दुई जन कैरेक्टर रही हाँ कि नहीं तो ये पेरेंट्स सहित तो 100% मैच करना पुआटा बाप भाया पूरा 100% देखा जाए कि ना हाँ झीओटा ता माँ भाया एक भाया देखा जाए कि ना तो बापार किसी कैरेक्टर मार किसी कैरेक्टर मिसीगला पर नुआ हो ठीक अलग ताठार टे अलग इट इज नॉट 100% आइडेंटिकल विथ देयर पेरेंट्स ताले लिखीद आम ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स ना ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स क्लियर
तो ये कौन हम जेहेतु से क्यारेक्टरटा कंबाइन हो जाए से आइडेंटिकल होना शावक मैंने बापा माँ सहित तो 100% मैच करेंगे ना। तो जेहेतु क्यारेक्टर्स कंबाइन हो जाए किसी भेरिएसन आसो बापा टू कि अलग हो माँ टू कि अलग ऑफस्प्रिंग्स हैव वेरिएशन। नेक्स्ट पॉइंट आम देखा ऑफस्प्रिंग्स हैव वेरिएशन। देखिए ऑफस्प्रिंग्स हैव वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग्स रे वेरिएशन आसी जीवो वेरिएशन जदि आसी जाउच हला दे हैव एडाप्टेशन उपयोजन भी तर रखे वेरिएशन ताकि एडाप्टेशन सी एडजस्ट कर। एडाप्टेशन मीन्स इट इज द एडजस्ट विथ नेचर एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट जी एडजस्ट करवा शिखी जीवन में से सब जगह चली जी एडजस्ट करवा शिखनी से चली पार साधा कथा है। तो एडजस्टमेंट इज लाइफ सब जगह एडजस्ट करार अच्छे दे हैव द पावर टू एडजस्ट विथ द चेंजिंग एनवायरनमेंट परिवेश चेंज होने एडजस्ट होने भी चेंज हो ठीक अच्छे। केवल जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड रे होतबो समानकर अडाप्टेशन अछि समान चेंज हो पारे जो ऑफस्प्रिंग से सेक्सुअल मेथड रे होतबो दे डू नॉट अडाप्ट दे डू नॉट एडजस्ट हला यदि एडजस्ट हो से रही बचार चांसेस अधिक सर्वाइवल चांसेस इज हाई सर्वाइवल चांस इज हाई नहीं। तो जो मान पाखे एडजस्टमेंट अच्छे बचार आशाटा अधिका और जो मैंने बचिक रही दिन चेंज हे दे विल इवॉल्व इवोल्यूशन से जैव अभिवर्तन हे बुझे कि नहीं सो दे हैव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इवोल्यूशन दे हैव कंट्रीब्यूशन अवदान रही जैव अभिवर्तन प्रति अवदान रही कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इवोल्यूशन दे हैव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इवोल्यूशन सो इवोल्यूशन प्रति कंट्रीब्यूशन जरूर अच्छे से मैंने इवल्व होला। क्लियर नेक्स्ट आम देखा कौन देखा नेक्स्ट पार्ट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे जुग्मक तैयारी हे कि ना गैमेट निश्चित भाव ये प्रोडक्शन हम गैमेट्र फ्यूजन भी हम फर्टिलाइजेशन हम बुझेगा सो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कौन हुए गैमेट प्रोडक्शन अकर्स गैमेट प्रोडक्शन अकर्स गैमेटिक फ्यूजन ऑल्सो अकर्स गैमेटिक फ्यूजन अकर्स है ना गैमेट प्रोडक्शन होउछि गैमेटर फ्यूजन भी हो गैमेटिक फ्यूजन टाक आम कौन कौ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन अकर्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन कौन हम जुग्म जो तैयारी हे जाइगोटा डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म ना गैमेट गुड़ाक कौन जुग्म गुड़ाक एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम अधा क्रोमोसोम थाए हैप्लॉयड सो दुटा जो हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिसीगला एन प्लस एन टू एन डाइगोट हो गला डिप्लॉयड ना ओके तो ये प्लॉयड कथा कौन जो डिप्लॉयड हैप्लॉयड कथा आसे ना से जिनसा कौन कल देखा टी प्लोइड तो आगर टे लिखिद आम जाइगोट कौन हम जाइगोट
develops into embryo. Zygote develops into embryo. भ्रूण तैयारी ही जीवो. अच्छा, से भ्रूणटा बड़ हो गोटे छुआ हाँ. तो प्लॉयडी कौन है? प्लॉयडी कथा टिके बुझी जाओ भलो भावरे, सेटा बहुत दरकार. सेट ऑफ क्रोमोसोम. प्लॉयडी हला कौन? सेट ऑफ क्रोमोसोम. हाप्लॉयड हाफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. डिप्लॉयड टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. ट्रिप्लॉयड थ्री सेट ऑफ द क्रोमोसोम. टेट्राप्लॉयड फोर सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम. सो हाप्लॉयड हाफ सेट, डिप्लॉयड टू सेट. हैप्लॉयड हाफ सेट, डिप्लॉयड टू सेट. बुझ पार छ? सो बापा पाखरे गुटे सेट आसीबो थ्रू स्पर्म, मां पाखरे गुटे सेट आसीबो थ्रू एग ओवम. मिसि गला जायगोट हे गला. जायगोट भितरे दुईटा सेट रहइबो डिप्लॉयड. तो आम जो कौन गोटे मनीषर केतटा क्रोमोसोम अच्छे ना सर? तेईस जोड़ा अच्छे. तेईसटा आम कौचे कि तेईस जोड़ा ना तमाने छयास दीटा जोड़ा हो गला. गोटे सेट आसला फादर पाखर तेईसटा वन सेट, से फादर सेट. मदर सेट आसला तेईस. मिसीगला तेईस पेयर, ट्वेंटी थ्री पेयर, ट्वेंटी थ्री जोड़ा, फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम हो गला. ठीक अच्छे, प्लॉयड कथा बुझीगला. नेक्स्ट देखिबा, फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल. फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. सो लाइफ साइकिल रो फेज, जीवन प्रक्रिया जो होची तार फेज भितरे कौन कौन सब फेज आसुचे? व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल? क्या है उसमें फेजेस? बहुत सारा फेजेस मिलेगा आपको. गोटे छुआटा जन्म हला, फास्ट से किसी दिन बढ़ियो, सेटा ला ग्रोथ फेज. सेटा ला ग्रोथ फेज. तो प्रथम फेज रे आम लिखिबा देयर आर थ्री फेजेस. कौन कौन? प्री रिप्रोडक्टिव फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज गोटे आसीगला, रिप्रोडक्टिव फेज गोटे आसीगला, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज गोटे आसीगला. प्री माने बिफोर, पूर्वरु. पोस्ट माने आफ्टर, परे. सो आगे पैसा पकेलो, कथा हलो प्रीपेड. आउ किछ अछि पोस्टपेड, कथा आइ गेलो गोटे बिल आसीबो लास्ट को पेमेंट करियो पोस्टपेड. सो रिप्रोडक्शन फेज रे, ई फेज रे ही रिप्रोडक्शन हो. तापर बुढ़ा लोक गुड़ाक छुआ जन्म करें कि छुआ मैंने भी जन्म करें. छुआ गुड़ाक प्री रिप्रोडक्टिव, बुढ़ा गुड़ाक पोस्ट रिप्रोडक्टिव. मझे जो टोका गुड़ाक रे अठर कोड़े वर्ष है स्टार्ट होगा, पंचावन षाठी हजार चलने तापर है. सो प्री रिप्रोडक्टिव फेज को आम ग्रोथ फेज भी कहीपर. प्लांट रे ग्रोथ फेज बा जुभेनाइल फेज कहीपर. तुम मैंने जो फेज रे अच्छे जुवेनाइल फेज, ग्रोथ फेज. रिप्रोडक्टिव फेज इन दिस फेज रिप्रोडक्शन अकर्स. पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज रे कौन हम? एटा को सेनिसेंट फेज भी कहा जाए. बुढ़ा है जो लोग एजिंग फेज, एजिंग फेज भी कहा जाए. तीनटा फेज बुझी पार्ल? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव है. किमित जानवा
गोटे कौ फेज रे जानवा क्या ये जो प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव आस रिप्रोडक्टिव ये आसो गोटे फेज रो आउ गए फेज को ट्रांजिशन हम ताको कंट्रोल किए करे हार्मोन्स सो वेरियस हार्मोन्स एंड वेरियस केमिकल्स रेगुलेट द ट्रांजिशन बिटवीन वन फेज टू अदर फेज वेरियस हार्मोन्स एंड केमिकल्स रेगुलेट ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अदर फेज ना सो गोटे फेज रु जो आउ गए फेज को ट्रांजिशन टा हम सेटा हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे है ना एजिंग जो हम ना लास्ट फेज जोड़ा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज सब हार्मोन सेक्रेशन कमी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो लोक बुढ़ा इन सेनिसेंट फेज हार्मोन सेक्रेशन डिक्रीजेस हार्मोन सेक्रेशन डिक्रीजेस आउ कौन हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन क्लियर देले धीरे धीरे से बुढ़ा हो स्किन फिन सब लूज होती गच्छ हो तार पत्र जड़ा सुखीज से मरीज बुझिपारे कि नहीं अच्छा प्यूबर्टी रो लक्षण कौन रिप्रोडक्टिव फेज को जो एंट्री मारला कहते प्यूबर्टी पीरियड अनसेट ऑफ प्यूबर्टी देखिबा अनसेट ऑफ प्यूबर्टी केमती जाना पड़े अनसेट ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी माने द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज रो आरंभटा केमती हो जाना पड़ो हाउ कैन नो हला जदि से प्लांट हो फ्लावर आसीज गचर फूल फुटला मान से रिप्रोडक्शन आरंभ करदेला ओके इन प्लांट्स फ्लावर डेवलप्स फ्लावर डेवलप्स जो गचर फूल फुटवा आरंभ हो जाए ताले जानव से गचर तापर फल आस मंजी आस निश्चित भाव रे फास्ट फूल देन फल आसीगला एनिमल्स रो केमती जानव ह्यूमन बीइंग्स रो केमती जानव इन ह्यूमन कथा मुझे कही दूस इन एनिमल्स इन ह्यूमन ताकर हार्मोन सेक्रेशन हम टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बॉडी फिगर चेंज हो निश दाढ़ी उठी गर्ल्स मान ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो मानने फैट जमा हो जमा पड़ज इन ह्यूमन मेल जदि हुए यहाँ मेल रो चिन्ह निश दाढ़ी आसीज मोस्टाच बियर्ड मास्कुलाइन बॉडी छोट छुआ शरीर देख टुका मान शरीर देख टे मसल आस डीप वॉइस आसीगला सब फीमेल कौन हम फीमेल चिन्ह है गोल गोटे प्लस फीमेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट फेमिनाइन बॉडी हैला फैट डिपोजिशन फैट डिपोजिट आरंभ हो
यू जदि आसीगला लक्षण मीन्स प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट्स रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन्स। तो लाइफ रे तो गोटे बर्थ ग्रोथ रिप्रोडक्शन डेथ ये चार्टा काम हो ता भितर एमती विभिन्न फेज सब आसो जो बाल्य अवस्था यौवन अवस्था किशोर अवस्था जमी सब बानप्रस्त अवस्था चार्टा फेज आसे ना से गोटे गोटे फेज सब ठीक अच्छे ओके। तापरे नेक्स्ट आम देखा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन इवेंट्स अच्छे कौन कौन घटना सब घटे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन इवेंट्स हो तीन टा इवेंट हुए देर आर थ्री इवेंट्स। नंबर वन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, नंबर टू फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बुझेगा प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पूर्व किसी घटना घटे तापर गेमेट फ्यूजन हम फर्टिलाइजेशन हम फर्टिलाइजेशन हो सारापर किसी घटना घटे। सो वन बाय वन विल डिस्कस इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन पूर्वर प्रस्तुतिकरण ए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट द इवेंट दैट अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आगुरी कौन कौन सब घटे दुटा जिनस हम गेमेट प्रोडक्शन गेमेट ट्रांसफर। सो हियर अगेन दुटा जिनस या भितर हम गोटे है गेमेट प्रोडक्शन देन गेमेट ट्रांसफर। बुझेगा सो गोटे गोटे आम डिस्कसन करवा आम गेमेट प्रोडक्शन रु कहानी आरंभ करवा गेमेट प्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड एज व्हाट गेमेटोजेनेसिस। द मेल गेमेट भी प्रोडक्शन ऑफ इन द मेल बॉडी फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी। चल लिख देवा मेल गेमेट्स are produced inside male body then female gametes are produced inside the female body female gametes are produced inside female body hala male body bitre male gamete banai debo female body bitre female gamete banai debo and remember gametes are always haploid gametes are always haploid in nature
गैमेट्स माने कौन युग्मक से लाइन टा लेख वेरी इंपोर्टेंट लाइन गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड मीन्स इट कंटेन्स वन सेट ऑफ क्रोमोजोम गोटे सेट ऑफ क्रोमोजोम रही गैमेट्स माने कौन छुआ युग्मक बुझिपारुच युग्मक माने सदा बेले गोटे सेट रखती हाफ सेट रखती युग्म जर दुईटा सेट रुग्मकर केवल गोटे मात्र सेट ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोजोम्स बुझिपारे तो गैमेट प्रोडक्शन टाइम रे कौ प्रकार कोष विभाजन हो सम विभाजन ना अर्ध विभाजन चिंता करिया कथा जदि गैमेट्स गुड़ाक हैप्लॉइड कौ प्रकार सेल डिविजन हो सो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मेयोसिस अकर्स मेयोसिसटा कौन कि छुआ रिडक्शनल डिविजन मेयोसिस इज द रिडक्शनल डिविजन गोटे माइटोसिस गोटे मेयोसिस रिडक्शनल माने कौन अर्ध विभाजन क्रोमोजोम नंबर अधा है सेन मेयोसिस क्रोमोजोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ सो कॉल्ड रिडक्शनल डिविजन ना नहीं सेन मेयोसिस इन मेयोसिस क्रोमोजोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ अदा ही जाए सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन ता माने गोटे डिप्लॉयड सेल बिकम्स व्हाट हैप्लॉइड टू एन जो थी एन हो बुझेगा सब जगार मेयोसिस हुए किंतु किसी एक्सेप्शन अच्छे जो मानकर मेन बॉडीटा हैप्लॉइड आम मानकर मेन बॉडी डिप्लॉयड तो हैप्लॉइड सेल हाँपाई मेयोसिस जदि आम निजे हैप्लॉइड होता हैप्लॉइड मेयोसिस पुणी एन रन बै टू हो किंतु एटा सत गैमेट्स गुड़ा सब बड़े एन तेल एन रु एन केमती हे माइटोसिस हम सम विभाजन हम इक्वेशनल डिविजन हम तो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग गैमेट प्रोडक्शन माइटोसिस अकर्स एग्जांपल देते हैं आपको समझ में आ जाएगा इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग गैमेट प्रोडक्शन को टाइप रो डिविजन हबो माइटोसिस अकर्स माइटोसिस टा कौन देखिबा माइटोसिस अकर्स है ना इक्वेशनल डिविजन अकर्स इक्वेशनल डिविजन अकर्स ना माइटोसिस रे कौन हुए इक्वेशनल डिविजन में सम विभाजन हुए
समविभाजन माने क्रोमोजोम नंबर समान रहिबो, माइटोसिस क्रोमोजोम नंबर्स रिमेन सेम, इन माइटोसिस क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स सेम, केबे भी कमिबो ना, जहाँ थिबो समान रहिबो, सेथिपाई से विभाजन ना समविभाजन, इक्वेशनल डिविजन, समविभाजन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। ताले एन थिला ऑर्गेनिज्म रे गैमेट अध्ययन रहिबो, माइटोसिस टू एन टू एन मेयोसिस हबो। तो एटा कोड देखा जाए एग्जांपल से लिखो, इट इज फाउंड इन हनी बी, मेल हनी बी गुड़ाक कौन कहते ड्रोन्स, फीमेल तो गोटे क्वीन थी आउ सब वर्कर थी, ये ड्रोन डाला मेल इज हैप्लॉइड, हनी बीज रो मन रखिबो मेल गुड़ाक हैप्लॉइड, फीमेल्स गुड़ा डिप्लॉइड, ऑलवेज रिमेम्बर हनी बी रे कौन हुए तांकर मेल गुड़ाक सब मेल गुड़ाक कौन हैप्लॉइड, फीमेल गुड़ाक कौन डिप्लॉइड हम आउ कोटी मिल आलजी रे मिल बुझेब कि नहीं। नेक्स्ट देखिबा प्लांट रे किमिति का गैमेट प्रोडक्शन हो, इन प्लांट हायर प्लांट्स जी आम नवा माइक्रोस्पोर दैट कंटेन्स मेल गैमेट, मेगास्पोर कंटेन्स फीमेल गैमेट तले प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर प्रोडक्शन डाला मेगास्पोरोजेनेसिस, तो लिख दो आईडी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर देन मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर मेगास्पोर प्रोडक्शन डा मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ह्यूमन बीइंग रे कौन सेटे तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर नहीं सेटे स्पर्म ओभम अछि, तले स्पर्म प्रोडक्शन हबो ओभम प्रोडक्शन हबो, से देखि देबा टिके गुडरे लाइन लिखि देबा स्पर्माटोजेनेसिस माने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म
और मेल गैमेट एनिमल्स रो कथा एटा ओजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम और एग और फीमेल गैमेट लिखे जाओ हब बुझे कि नहीं ओके स्पर्माटोजेनेसिस इज द स्पर्म प्रोडक्शन ओजेनेसिस इज द एग प्रोडक्शन एटा मेल भितर हेटा फीमेल भितर तापर देखिए शेप ऑफ द गैमेट ओके शेप ऑफ द गैमेट गैमेट जी दुई जन सामान साइज देखा गला आइसो गैमेट्स कहते और अन आइसो गैमेट्स कहते सो विथ रेस्पेक्ट टू शेप ऑफ गैमेट्स दीज आर ऑफ टू टाइप गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स आइसोगैमेट अन आइसोगैमेट अन आइसोगैमेट दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इक्वल शेप मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैविंग इक्वल शेप ये कौन है जीवो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफरेंट शेप एग्जाम्पल लिखो ह्यूमन यार एग्जाम्पल लिखो एलजी हब अलग अलग सब शेप आसीगला मेल गैमेट गोटे अलग शेप फीमेल गैमेट गोटे अलग शेप आइसो गैमेट्स अन आइसो गैमेट को हेट्रो गैमेट भी कहते बुझेगा कि नहीं नेक्स्ट कौन अच्छे देखा ये पढ़ी था आज नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करवा यार जो किसी डाउट्स अच्छे ताले तुम्हें व्हाट्सएप रे क्वेश्चन ये करिवो हला देखिवा कौन डाउट्स अच्छे हाथ टेक कथाई आज तुम सांगे हाथ टेक यार कौन डाउट अच्छी